शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं, अपनी बर्बादी का यारो ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिलते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं बक्कड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। हाँ जी, नहीं वो सोमवार से पहले होना मुश्किल है साहब। क्या कौन है ये? अरे अपनी नई पड़ोसन। अच्छा हाँ। तो यही है वो जान की हड्डी। अकेली रहती है भौजी? रहती होगी। पनवारी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बहुत अगड़ती है बाप। क्या गोपाल राजा हुआ है? क्यों हाँ, तुमने उससे बात कर ली? मैं क्यों बात करने लगा? वो खुद मेरे को रोक के पूछे। क्या? हेलो राजा साहब, कैसे हैं आप? वाह वाह, फिर? मैंने लिफ्ट ही नहीं दी भाई। बहुत अच्छे। लेकिन वो करती क्या है? वो मालूम नहीं है। अबे राजा, तू दुनिया भर की खबर रखता है और तुझे इतना भी नहीं मालूम कि वो कौन है, करती क्या है? कुछ भी करती हो, अपने को क्या है भाई? तुम कुछ भी कहो बाबूजी, है बहुत घमंडी। कोई औरत चुपचाप रहे तो तुमको घमंडी लगती है? जरा हंस के बात करेगी तो बोलोगे कि चालू है। गुरु, आखिर अपनी टीचर जी भी तो है ना, वो कैसे सबसे हंस बोल के बात कर लेती है? अरे अपनी टीचर यहाँ कितने साल से रहती, सबसे घुल मिल गई है। कुछ दिन रुक जाओ, तुम लोग की ये किटकी भी खत्म हो जाएंगी। हो सकता है। ए! आ गया। ये फालतू बंकस बंद करो। खोपड़ी, तू इसको बंकस बोलता है? अरे बंकस में तो क्या, तीन दिन हो गया, सुनते सुनते मेरे कान पक गए मालूम है। ए गुरु, बोल। ये एक अपना काम कर देना तू। बोल तेरा क्या काम करूं? ये 10 का नोट बदले कर देना। दे ये, ये अपन, ये तो आधा है। आधा है? हाँ। अच्छा तू 5 का ही दे ले। तू भी क्या याद करेगा यार, ये मेरे को टोपी बनाने का है, चल पोट जाने। गुरु है नहीं, नहीं जा। क्या क्या लेके आ जाते हैं? क्या हो गया? नहीं, इधर का गोल, अपना तकदीर भी फटेला, तू भी फटेला 10 का नोट। कौन है? बत्ती चालू, उधर ही गया है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? यहाँ पर भी वही हो रहा है जो हर जगह होता है। लोग अजीब नजरों से मुझे देखते हैं, न जाने क्या क्या सोचते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा प्रभाकर? ए दुखिया, 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 जाने दे, जाने दे।
मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि एक अकेली औरत को क्या क्या नहीं भुगतना पड़ता है, और फिर मैं तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? देखो कुसुम, ये दिन भी गुजर जाएंगे, फिर तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, देखो मेरा दुखड़ा लेके बैठ गई, तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक कहाँ हूँ, देखो अपना चेहरा कितना उतर गया, दाढ़ी भी बढ़ गई है। मैं कल तुम्हारे लिए शेविंग का सामान ले आऊंगी, अब तुम थक गए हो, आराम करो। नहीं कुसुम, मुझे जाना है, बहुत काम है, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मेरी समझ में नहीं आता कि जो लोग दूसरों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, उन्हें लोग गुंडा और बदमाश क्यों समझते हैं? शायद इसमें ही कुछ उनका फायदा हो। लेकिन कुसुम, तुम हिम्मत मत हारना, तुम मेरा सबसे बड़ा हौसला हो, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। अपन ने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, आई विटनेस। अरे भैया, तब तो कोनो गड़बड़ है। ओ बाबू जी, गड़बड़ कहां नहीं है, मेरे को ये बताओ आप। लेकिन इतनी रात को उस अकेली औरत के यहां और कौन आ सकता है? अरे भैया, तनी समझने की बात है, समझने की। मैं तो पहले ही समझ गया था, दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। काला हो या सफेद, सब सामने आ जाएगा। बहुत अकड़ती थी, अब पता लगेगा। अच्छा, अरे रात में उसके घर में तरह तरह के लोग आते हैं। दिखने में तो सीधी साधी लगती है, लेकिन लक्षण देखो। छी। अरे सुन, मालूम है अब तो वहाँ फॉरनर भी आने लगे हैं। अरे छोड़ ना, ऐसी औरतों के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते। छी, आज एक आई है ना, देखना कल चार आ जाएंगे इस जैसे। अरे छोड़, यहाँ तो रात भर दंगा मस्ती होगी, शराब पी जाएगी। छी 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 छी, पापा जितना हो जाए कम है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखना क्या होता है। अच्छा, लड़की बड़ी तेज निकली। अमा गुप्ता यार, तुम मेरे बजर बट्टू। अरे भाई, ऐसी औरतें होती ही तेज हैं यार। माणिकलाल, कुछ भी कहो मगर चीज बहुत उम्दा है। हाँ तो भाई, अपने किस काम की, हम तो शरीफ लोग हैं ना। अरे भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं ये आदमी कहाँ रहता है? कौन ये आदमी? जी। अरे कादर भाई, तनी बताओ तो ये आदमी कहाँ रहता है? पर इनको ये पूरा पता लिख के देने को क्या होता है? देखो नी, ये तो ऊपर रहता है 22 नंबर की गोली में। ऊपर? उधर उधर। हाँ जा, निकल ले। थैंक यू। ये आदमी 22 नंबर की गोली मार रहा था, 22। जाओ जा, बेधड़क घुस जा। 22? थैंक यू। भेज दिया कादर भाई, अब आएगा मजा। थैंक यू। कोई घर में है कि नहीं है? नमस्ते, ये 22 नंबर की खोली है ना? जी हाँ। जरा प्लीज शाम को बुलाइएगा। शाम? जी। यहाँ कोई शाम नहीं रहता। लेकिन ये नीचे वाले कहते हैं कि शाम यहीं रहता है, और आप कहते हैं शाम यहाँ नहीं रहता। मैंने कहा ना यहाँ कोई शाम नहीं रहता। अरे शाम यहाँ ही रहता है, ये लोग कहते हैं। मैंने कहा ना यहाँ कोई शाम नहीं रहता। शाम यहीं रहता है। आप जाते हैं कि नहीं? हाँ मैं जाता हूँ, ये लोग कहते हैं शाम यहाँ रहता है, आप कहते हैं शाम नहीं रहता, फिर शाम कहाँ रहता है? शाम कहाँ रहता है? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो अभी। पता नहीं कैसी औरत है। गुरु जी, ये मोहल्ले वाले कुसुम के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? हाँ सुना तो मैंने भी, पर ये खोपड़ी की बात का क्या भरोसा? और अगर कोई आदमी आया भी था तो क्या हुआ? पता नहीं क्या समझती अपने आप को, कुछ भी बकबक करती रहती है। अरे क्या हुआ? अरे मैं उसके पास काम मांगने गई तो मेरे को डांट कर बोली भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, और मेरे मुंह पे दरवाजा भी बंद कर दिया।
तो फिर तुम वहां गई क्यों थी? तुम्हें मालूम नहीं वो किस तरह की औरत है? तुम्हें मालूम है? मालूम तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। सुना है? देख कलावाज, ये सुनी सुनाई बातों पर ना किसी औरत को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। वो जैसे भी होगी, पर मेरी बेइज्जती क्यों की? सीधे सीधे ना बोल देती। अरे वो राधा काम मांगने गई थी, डांट के भगा दिया उसने। अरे राजा, वो अगर ओका भगाती नहीं तो ओका भांडा नहीं फूट जाता का? हाय, ये सामान दीजिए। देख क्या रहे हैं आप, सामान दीजिए। वो बुड्ढा छोकरी पटाने के चक्कर में। पैसे कितने में? 50 रुपए। ये लीजिए। 100-100 की नोट तोड़ा रही है बाप। क्यों ना तोड़वाए, कौन सा पसीने की कमाई करके लाती है। हाँ, आपका नाम कुसुम है ना? जी हाँ। आप अकेली रहते ऊपर? जी, क्यों? नहीं नहीं, वो शेविंग का सामान आपने लिया है। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बोल देना, मैं पहुंचा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इसलिए क्या, नुक्कड़ के लोग बहुत लफंगे, रात बिरात कुछ तकलीफ हो जाए ना तो मुझे याद करना, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। हाँ, सुनिए। नमस्ते। चूड़ियों के कुछ नए डिजाइन आए हैं, जरा देख लीजिए। जी, मुझे नहीं चाहिए। अरे साहब, लेने को कौन कह रहा है, ना लीजिएगा, देख तो लीजिए। मैं देखिए, दिल ना तोड़िए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, ये 4 नमूने हैं, जो पसंद आए ले लीजिए। ठीक ठीक, कैसे ही हंस के बात कर रही है और हमको घास तक नहीं डालती। वो मोटा मुर्गा है ना, इसलिए दाना डाल रही है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, आप तो तकल्लुफ कर रही हैं, ले लीजिए। आपकी गोल गोल कलाइयों पे सजेंगे, पैसों की फिक्र ना कीजिए आप। धंधे की बात है, मैं वसूल कर लूंगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। जी, ये यहाँ क्यों आई थी? भाई, मेरी खुद समझ में नहीं आया, क्या जमाना है समझ में नहीं आता। दुकान में आई, चूड़ियां देखी, बोली बहुत अच्छी है, दे दो, पैसे बाद में वसूल कर लेना। बताओ, कोई बात है भला? उसकी ये हिम्मत? हाँ बिल्कुल, चलन कहीं की। अब तो बात बहुत बढ़ गई है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग? एक उपाय है। क्या? क्यों ना मोहल्ले वालों से बात करें। वो लुच्चे क्या करेंगे इस मामले में? ऐसी औरतों से वही निपट सकते हैं। अच्छा, तो चलो उनसे बात करते हैं। चलो चलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। वो हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, बैठिए ना राजा, कुर्सी लाना जरा। हाँ। नहीं वो नहीं, नहीं, हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं, बैठना। बैठिए बैठिए। कहिए, कैसे तकलीफ की आने की? वो आप लोगों को तो मालूम ही होगा यहाँ आजकल क्या हो रहा है। हाँ, सुना तो है। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, आखिर आप लोग हमारी तरह इज्जतदार लोग हैं। और देखिए ना, कितने शर्म की बात है कि आप जैसे शरीफ लोगों के होते हुए यहाँ ये सब हो रहा है। आखिर मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। क्यों कहते भाई? हाँ हाँ भाई, मोहल्ले की इज्जत का सवाल है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमाल की बात है, धन्यवाद की क्या बात है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा,
नमस्ते। अरे वो लोग हमरे पास चल के आई हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक, आज रात कुछ ना कुछ फैसला हो ही जाएगा। हाथों पकड़ा जाएगा। हाँ, हाँ। शिकार खुद ही जाल में फंस गया। अब आएगा मजा। पकड़ो। लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया प्रभाकर, और तुम्हारे पकड़े जाने के डर से मैं किसी को ये बता भी नहीं सकती कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब यहाँ अकेली नहीं रह सकती। लेकिन कुसुम, हम खुद ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, पुलिस को हमारे हर ठिकाने मालूम हो चुके हैं, पुलिस यहाँ भी पहुँच सकती है। कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कुछ भी होगा झेल लूंगी। कुसुम, बात क्या है? प्रभाकर, तुम जानते नहीं मैं किस नर्क से गुजर रही हूँ। आप लोग देख क्या रहे? अरे आप कुछ करती क्यों नहीं है? अरे तो फिक्र मत करो, अब ये तोता मैना उड़कर कहीं नहीं जा सकते। हाँ। मैं इन गंदी नजरों को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। टीचर जी, आप जल्दी चलो, उन लोगों ने कुसुम के घर को घेर लिया है। क्यों? वो लोग बोलते हैं उसके घर में एक आदमी आया है। अरे तो आया होगा तो क्या हुआ? आप समझती क्यों नहीं, उनका कहना है वो आदमी उसका मेरा मतलब है। ओह समझी। तुमने गुरु को बताया? वहां पर नहीं है, मैं उसी का राह देख रही हूँ। तुम कुछ करो ना। मेरे पास एक आईडिया है। क्या बात है? आज उसके घर में एक नया मर्द घुसा है। तो तुमको क्या तकलीफ है? बाऊजी, इनको तकलीफ ये है कि ये दोनों क्यों नहीं घुस पाए। ए बदतमीज, संभाल संभाल के बात कर। ये लफंगे कभी नहीं सुधरेंगे, पहले उसे बाहर निकालो, बाद में हमारी बातें करो। क्यों? ये तो ठीक है, चलो निकालना। शोर मत करो। ये क्या मजाक है, ये क्या हंगामा कर रखा है? ये हंगामा नहीं है टीचर जी, वो एक आवारा औरत है। मालूम आपको? क्या सबूत है? सबूत भी सामने आ जाएगा। ए नीचे उतरो। ये क्या आवाज है? मैं देखती हूँ। जरा संभल कर बोलो। नीचे नीचे उतरो दोनों। मुझे लगता है लोगों ने हमें गलत समझा, भाग चलो। नहीं, इस तरह तुम बदनाम हो जाओगी। मगर तुम पकड़े जाओगे ना? कुछ नहीं होगा प्रभाकर। नहीं ठहर जाओ। नहीं नहीं प्रभाकर। चिल्लाइए मत, आ रहा हूँ मैं नीचे। नहीं प्रभा, तुम चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मैं उनको बताता हूँ। कहिए क्या बात है? ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूं। अब बोलिए। ऐसी औरतें हर आने जाने वालों को अपना पति बनाती है। अगर तुम इसके पति हो तो आधी रात गए चोरों की तरह छुप छुप कर इससे मिलने क्यों आते हो? बोला। ये सवाल पूछने वाले तुम कौन होते हो? ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल है, ये फैसला होकर ही रहेगा।
मिस्टर प्रभाकर, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप क्या समझते थे हमारी नजरों से बचकर निकल जाएंगे? हमें मालूम था कि आप अपनी पत्नी से मिलने जरूर आएंगे। यू आर अंडर अरेस्ट। एक मिनट, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर प्रभाकर पर गुंडागर्दी और लूटमार का इल्जाम है। ये गलत है। मैं कोई चोर चक्का नहीं हूं, मजदूर संघ का नेता हूं। मिल मालिकों ने प्लान बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है ताकि हड़ताल टूट जाए, मजदूर बिखर जाए, बस। आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। एक मिनट इंस्पेक्टर। कुसुम, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। जो बीतनी थी बीत चुकी प्रभाकर, अब मुझे भी लड़ना आ गया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गुड बाय। जाओ, किसी और का घर बर्बाद करो, किसी और पर कीचड़ उछालो, मगर इतना याद रखो कि हर अकेली औरत बिकाऊ नहीं होती। देखिए, ये सब बहुत शर्मिंदा है। मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूं। क्या आप माफ नहीं करेंगी? मुर्दों को सजा दी जाए या माफी, क्या फर्क पड़ता है?